हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चैप्टर 5, ठीक है, क्लास 10 का चैप्टर 5 है, कुटुंब अनुरक्ति। कुटुंब मींस होता है परिवार, अनुरक्ति मींस प्रेम, परिवार के प्रति प्रेम, वात्सल्यता। ठीक है, इस चैप्टर को अपन पढ़ेंगे। इस चैप्टर पे क्या है, एक्चुअली एक दुष्ट रहता है राक्षस, और वो सारे परिवार को, ब्राह्मण परिवार को पकड़ लेता है। ठीक है, फिर वो बोलता है कि कोई एक मेरे साथ चलो और मेरी माँ के लिए भोजन बनो। ठीक है, वो सारे परिवार के होते हैं, वो माता रहती है तो कहती है मैं जाऊंगी, पिता कहते हैं मैं जाऊंगा, बेटा, बड़ा बेटा कहता है मैं जाऊंगा, छोटा बेटा कहता है मैं जाऊंगा। ठीक है, तो ऐसे परिवार के प्रेम को देख करके और ये जो राक्षस ये बड़ा प्रसन्न होता है। ठीक है, इसी चैप्टर इसी पे ये बेस है पूरा ये। ठीक है, स्टार्टिंग करेंगे। संस्कृत नाटककारेषु प्रमुखेण महाकवि भाषेण नाटकांतम कवित्वम इति उक्तिम चरितार्थम कृत्वा त्रयोदश नाटकानि विरचितानि। मीन्स संस्कृत नाटककार, ठीक है, संस्कृत नाटक रचने वाले प्रमुख महाकवि भास ने नाटकांतम कवित्वम, नाटकों को ही, ये नाटकों की रचना ही कवित्व कहलाती है, इस युक्ति को, इस बात को चरितार्थ करने के लिए त्रयोदश नाटक, ठीक है ना, 13 नाटकों, 13 ड्रामा को विरचित मीन्स रचना की, ठीक है, लिखा। तानी चा, इनमें से हैं दूत वाक्य, कर्णभार, दूत घटोत्कच, मध्यम व्यायोग, पंचरात्र, उरुभंग, अभिषेक नाटक, बालचरित, अविमारकम, प्रतिमा नाटक, प्रतिज्ञा यौवंधरायण, स्वप्नवासोदत्त, चारुदत्त चैति, है ना, तो चारुदत्त और इति। अंशोयम भास प्रणीतम, ये जो चैप्टर है इसमें भास ने अंश में रचा था, जो अंश बना करके दिया क्या है, मध्यम व्यायोग। ठीक है, तो मध्यम व्यायोग से ये एक पार्ट लेकर के कुटुंबा अनुरक्ति इसमें ग्रहात ग्रहितस, है ना, ग्रंथात ग्रहित इसमें दिया गया है। अंशे अस्मिन प्रस्तुतम यत, इस अंश में प्रस्तुत किया गया है, यदा घटोत्कचेन वधार्यम एका ब्राह्मण परिवार, ठीक है, जब घटोत्कच, वध मीन्स मारने के लिए, नष्ट करने के लिए, एक ब्राह्मण परिवार को समासादिता मीन्स पकड़ करके बंधन में डाल के, तदा परिवार से सर्वे सदस्य, तब परिवार के सभी सदस्य अपने स्वपरिपारिवारिकान, अपने पारिवारिक जनों के लिए, अन्य सदस्यों की मुक्ति के लिए, स्वप्राणोत्सर्गम, अपने प्राणों को प्रदान करने के लिए, च कथम उद्यता भवन्ति, कैसे उद्यत हुए, ठीक है, या कैसे तैयार हुए, स्वपरिवारम प्रति समर्पणम, है ना, प्रेम भावम च प्रकटयति अयम अंशः, अपने परिवार के प्रति समर्पण का जो प्रेम भाव है प्रकट हुआ, इसका जो अंश है इस पर दिया गया है। ठीक है, इसका जो सारांश है वो दिया गया है। फर्स्ट है ये एक वार्तालाप भी कह सकते हैं, ठीक है, कुछ लोगों के बीच में। इसमें फर्स्ट है वृद्ध, ठीक है, वृद्ध कौन है, ब्राह्मण है। वृद्ध कहता है हंतः निराशा स्मो, बड़े निराशा की बात है, या मैं निराश हूँ, भवत पुत्रो व्यपाश्रयस्य तावेदनम, क्या किया जाए, लगता इससे निवेदन किया जाए। ठीक है, आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये दैत्य है और इसने सबको ये पकड़ रखा है। ठीक है, इसी में से जो बूढ़े बुजुर्ग है वो कह रहे हैं, तो इसमें से फर्स्ट जो उनका पहला बेटा है, प्रथम पुत्र, वो कहता है अलम अलम परिश्रम एणम, ठीक है, अब हमें मेहनत नहीं करना चाहिए, अब हमें परिश्रम नहीं करना चाहिए। वृद्ध बोला पुत्रो पुत्रो निर्वेद प्रत्यर्थनी खलु प्रार्थना, हमें निवेदन करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, भावा तपस्यामस तावत, देखो क्या होता है। ठीक है, और वृद्ध ने बोला भो भो पुरुष, इसको, इस राक्षस को बोला, हे पुरुष अत्यस्माकं मोक्षा, क्या हमारी मुक्ति होगी, क्या हम छूट पाएंगे। घटोत्कच, घटोत्कच से बोला मोक्षो अस्ति समयता, मोक्ष होगा, आपकी मुक्ति होगी, परंतु समयता मीन्स होता है एक शर्त, ठीक है ना, तो एक शर्त है। वृद्ध बोला कौन सी शर्त, तो घटोत्कच बोला अस्ति मे तत्र भवती जननी, वहां मेरी एक माता रहती हैं, तया अहम आज्ञप्तः पुत्र, उनकी आज्ञा से मैं आया हूँ, उनकी आज्ञा है कि ममोपवास निसर्गमस्मिन प्रदेशे, ठीक है, मेरे उपवास के बाद, ठीक है, मेरे फास्ट एंडिंग टाइम, मुझे ये परायण करने के लिए, ठीक है, अस्मिन प्रदेश, इस वन, इस जंगल प्रदेश से कश्चित मानुष, कोई मनुष्य प्रतिग्रह नेतव्य, उसको पकड़ करके और नेतव्य मेरे पास ले आओ, ततो मया साधितो भवान, ठीक है,
मैं वही आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। पत्निया चरित्र शालिन्या, ठीक है, तुम्हारी जो पत्नी है वे चरित्रशाली दिखाई पड़े, जो तुम्हारे पुत्र हैं वे भी शील हैं, ठीक है। मोक्षम इच्छसि, यदि तुम अपने पुत्र और अपनी पत्नी की मुक्ति चाहते हो, मोक्ष चाहते हो, तो बलावलम परिज्ञाय पुत्रमेकं विसर्जय, ठीक है ना, तो हो न हो इनमें से कोई एक पुत्र अपना मुझे समर्पित कर दो। वृद्ध बोला, हम भो राक्षसा पसद, किम अहम ब्राह्मण, अरे राक्षस चुप हो जा, शांत हो जा, दूर हट जा। किम अहम ब्राह्मण, क्या मैं ब्राह्मण नहीं हूं। ब्राह्मणा श्रुतवान वृद्धा, वो अपना बताने लगा कि मैं ब्राह्मण हूँ, श्रुतियों को जानने वाला, ग्रंथों को जानने वाला, वृद्ध हूँ, पुत्रम शील गुणान्वित, और जो मेरे पुत्र हैं वे शील गुण से धनवान हैं। पुरुषाद दत्वाहम कथम निवृत्ति मापनुयात, मैं अपने पुत्र को तुम्हें प्रदान कर दूं, इसके बाद मैं प्रसन्न कैसे रह पाऊंगा, है ना, ऐसा बोला। तो घटोत्कच ने बोला, यद्यर्थितो द्विज श्रेष्ठ पुत्र मेकम न मुंचसि, ठीक है, सकुटुंबाक्षण नैव विनाश्य मुपयास्यसि, मीन्स यद्यर्थितो, मैं जो याचना कर रहा हूँ कोई मुझे एक पुत्र दे दो, यदि तुम मुझे नहीं दे रहे एक पुत्र, तो सकुटुंब से तुम्हारा जो सारा परिवार है एक क्षण में मैं उसका विनाश कर दूंगा, ठीक है। फिर है नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। वृद्ध बोला, एष एव मे निश्चय, अतः मैं निश्चय करता हूँ, क्या निश्चय करता हूँ, कृत कृत्यम शरीरम मे परिणामेन जर्जर राक्षसाग्नौ, राक्षसाग्नौ सुतापेक्षी होस्यामि विधि संस्कृतम, मीन्स कृत, अब जो मेरा शरीर है यह कृत हो चुका है, मैंने अपने सारा जीवन जी लिया है, जर्जर अब यह बूढ़ा हो चुका है, राक्षसाग्नो, इसीलिए मैं अपने बच्चों अपने परिवार को बचाने के लिए जो राक्षस की अग्नि है, जो पेट की जो भूख है, उसको शांत करने के लिए अपने शरीर को जो विधि पूर्वक हवन करने को तैयार हूं, ठीक है। अच्छा, जो ब्राह्मणी थी, तो इस ब्राह्मणी ने, उनकी पत्नी थी, उसने सुना, बोलने लगी, आर्य माम एवं पतिदेव, या आर्य स्वामी, रुकिए, पति मात धर्मणी पतिव्रतेति नाम, पतिव्रत धर्म का पालन करना ही पातिव्रत, जो स्त्री उसका नाम है या उसका कर्म है, ग्रहित फल नहीं तेने, मुझे इस फल को प्राप्त करने के लिए हे आर्य हे स्वामी, शरीर जो मेरा शरीर है वह कुल की और रक्षा करने के लिए अर्पण करने के लिए स्वीकार कीजिए, ठीक है। तो घटोत्कक्षता घटोत्कक्ष ने बोला, भवति ना खलु स्त्री जनो विमतस्तत्र भवत्या, रुकिए मुझे कोई स्त्री की जरूरत नहीं है, ठीक है, मुझे किसी स्त्री की शरीर की जरूरत नहीं है। वृद्ध बोला, अनुगमिष्यामि भवन्तम्, तुम मेरा अनुगमन करो, ठीक है, मतलब मुझे ले चलो, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ साथ चलता हूँ। घटोत्कच बोला, आ वृद्धस्तुम अप्सरा, मुझे एक वृद्ध की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो प्रथम जो फर्स्ट पहला पुत्र था वह बोला, भोस्तात, हे पिताजी, ब्रमीमि खलु तावत किंचित, मैं भी कुछ बोलना चाहूंगा, ठीक है। वृद्ध बोले, ब्राह्मण बोले, ब्रूहि ब्रूहि शीघ्रम, बोलो बोलो जल्दी। तो प्रथम पुत्र था, उसने बोला, मम प्राणैर गुरुर प्राण निक्षामि परिरक्षितुम रक्षणार्थम कुलस्यास्य मोक्तुमर्हसि माम भवान, मीन्स मम प्राण गुरुर प्राण, जो मेरे प्राण है वे गुरु की और मेरे बड़े बुजुर्गों की रक्षा के लिए यदि देने को तैयार है, रक्षणार्थम कुलस्यास्य, यदि कुल की रक्षा के लिए तैयार है, तो मुझे आप आज्ञा दीजिए तो मैं अपना शरीर दे सकूं, ठीक है। सेकंड जो पुत्र था वो बोला, रुकिए आर्य माम एवं स्वामी, रुकिए बड़े भाई, रुकिए, ज्येष्ठा श्रेष्ठा कुलो लोके, ठीक है ना, ज्येष्ठ जो बड़ा होता है वह श्रेष्ठ होता है कुले लोके इस संसार में, ठीक है ना, पितृणाम च संसंप्रिया, वह माता पिता परिवार सबका वह प्रेमी होता है, तो हम यास्यामि, इसलिए आप मुझे आज्ञा दीजिए तो मैं अपने इस परिवार की रक्षा के लिए अपने शरीर को बेच सकूं। इसमें से तीसरा बालक था, तीसरा बेटा, वह बोला, आर माम, अरे स्वामी, रुकिए ज्येष्ठो भ्रातरा पिता समान, जो बड़े भाई होते हैं वो पिता के समान होते हैं, कथितो ब्रह्मवाद भी, ऐसा वृद्ध ब्राह्मण या बड़े ऋषि महर्षि कहते हैं, ततो हम कर्तुमस्मिर हो, ठीक है, अतः हम हमारे परिवार की रक्षा के लिए प्राण रक्षणम, मुझे मेरा जो शरीर है वह देने के लिए आप आज्ञा दीजिए। घटोत्कच ने यह सब देखा तो कहने लगा, अहो स्वजन वात्सल्यम, अहो, अरे धन्य है स्वजन, ये जो संबंधी हैं, जो परिवार के हैं, वात्सलता, इनके जो परिवार की वात्सलता, इनके जो परिवार का प्रेम है, कितना अद्भुत है, कितना आश्चर्यमय, ठीक है। इस प्रकार ये आपका चैप्टर
जो इसकी हिंदी मीनिंग्स थी आपने समझे। थैंक यू स्टूडेंट्स।